राजधानी में हो रही प्री मॉनसून की बारिश से जयपुर नगर निगम की पोल खुल गई है। जी हां, मॉनसून से पहले शहर के नालों की सफाई निगम प्रशासन से नहीं कराए जाने के कारण हल्की बारिश में ही शहर के गंदे नाले उफान पर आ गए हैं और इस कारण शहर का गंदा पानी राजधानी की सड़कों पर बहता रहा। चार दीवारी के साथ साथ शहर के पॉश इलाकों और निचले क्षेत्रों में भी पानी भर गया, जिसके कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद शहर के हालात जाने हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। राजधानी में आज तेज बारिश हुई और यह पहली बारिश है और इसी के बीच में आज हम जयपुर के हाल बताएंगे कि नालों की सफाई नहीं हुई और इसी के बीच में हम जयपुर के हालात बताएंगे किस प्रकार जो पानी की इनकी जो पहली बारिश हुई है और इस बारिश के दौरान इनकी किस प्रकार इनकी शहर की जिसकी सड़कें किस प्रकार जलमग्न हो रही है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है जयपुर के इनकी स्टेचू सर्किल की, जहाँ पर इनके गंदे नालों से निकल के पानी सड़क तक बह रहा है। हालांकि यह समस्या मुख्यतः नगर निगम द्वारा अंतिकरण हो रही है, क्योंकि मानसून से पहले जिस प्रकार नालों की सफाई होती है वो इस बार नहीं की गई और उसका इनकी जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर पूरा इनकी मानसून से पहले इनकी अगर मानसून से पहले नालों की सफाई हो जाती तो इस प्रकार के नाले उफान पे नहीं आते और शहर की सड़कें जलमग्न नहीं होती। और इसी के साथ इनकी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसको देखकर जो नगर निगम की जो अनदेखी है, नगर निगम की जो सच्चाई की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। क्योंकि अगर नगर निगम पूरे पहले से इनकी सावचेत होता तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती, आम नागरिकों को इस प्रकार के जो अनदेखी जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर नगर निगम अपनी सतर्कता बरतता तो इनकी इस प्रकार के हालात नहीं बनते जयपुर शहर के। जयपुर से कैमरामैन नेमीचंद पांचाल के साथ लोकेश ओला एवं